आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी हो और प्रोड्यूसर्स भी बहुत ही लिबरल किस्म के हों जो आपको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर नहीं करें, तो हमेशा डायरेक्शन में आसानी ही होती है, अच्छी मतलब सुविधाजनक होती है, होता है काम. ऑफकोर्स हमने बहुत फास्ट काम किया, 25 दिन में पूरी फिल्म कम्प्लीट की, लेकिन फिर भी अमेरिकन और इंडियन जो मिश्रण एक था प्रोडक्शन में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. वो बहुत ही अमेरिकन जो लोग होते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और पूरी तरह से, हमारा एक रॉ टैलेंट था तो दोनों का मिलाप बहुत इंटरेस्टिंग था. महिमा को कास्ट करने की कोई खास वजह? महिमा बहुत मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छी है वाकई में, दिल की बहुत अच्छी है, तो मुझे एक्चुअली बेझिझक, एक्चुअली मुझे कोई झिझक नहीं हुई उनको चूज़ करने में. नहीं, ये वाली पिक्चर हिंदी में नहीं बन सकती थी क्योंकि हमारा इरादा हमेशा ग्लोबल पिक्चर बनाने का था. प्रोड्यूसर्स अमेरिकन हैं, अमेरिकन मतलब इस पिक्चर को प्रोड्यूस नहीं करते अगर वो ज़ुबान ही नहीं समझ आती उन्हें. तो हमारा पूरा इरादा था कि अलग अलग देशों में इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए बना रहे हैं पिक्चर, और क्योंकि विषय टोटली ग्लोबल है लेकिन कैरेक्टर्स इंडियन हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सोल है पिक्चर का वो हिंदुस्तानी. होप एंड रिलीफ शुगर काफ़ी अजीब टाइटल है लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आ जाती है सुन के. पिक्चर में महिमा का एक डायलॉग है जिसमें वो कहती है कि देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ विथ सम होप एंड रिलीफ शुगर. तो अगर आप दिल में उम्मीद जगाए रखें और जीवन में थोड़ी सी मिठास हो तो हर समस्या का हल निकल सकता है. जी जी बिल्कुल, हम क्योंकि हमारा इरादा वही था कि हम मल्टीप्लेक्स पिक्चर बना रहे हैं बड़े शहरों की इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंसिस के लिए, उसी के लिए हम रिलीज़ कर रहे हैं, उसी ऑडियंस के लिए हम रिलीज़ कर रहे हैं. आशा है कि उस ऑडियंस को पसंद आएगी पिक्चर क्योंकि उन्हीं के लिए बनाई गई है. विशिंग यू ऑल, थैंक यू.